बसमरिम असल टेंथ क्लास वी आर स्टिंग चैप्टर नंबर सेवनटीन डेट इज़ बायो टेक्नोलॉजी एंड टुडेज टॉपिक इज फर्मेंटेशन वट इज़ फर्मेंटेशन सबसे पहले बेटा हमें पता होना चाहिए सेलुलर रेस्परेशन क्या होती है ये आप नाइन्थ क्लास में पढ़ चुके हैं ठीक है ग्लूकोज का टूटना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज़ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ए टी पी इज कॉल्ड सेलुलर एसपेसन ये आपने हाईलाइट कर लेनी है सेलुलर सेलुररेशन की डेफिनेशन ग्लूकोज मालिक्यूल गो थ्रू ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी ये क्या होता है ऑक्सीड रेस्पायरेशन में ठीक है ग्लूकोज जो हमारे समय होती है उसका इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन रिडक्शन होना उसकी और इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एनर्जी रिलीज होना क्या कहलाती है सेलुलर रेस्पिरेशन अब देखिए फर्मेंटेशन क्या होती है अगर ग्लूकोज के मालिक्यूल की इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ठीक है ग्लूकोज की इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो तो वो क्या कहलाएगा फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस इन विच देर इज़ इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज़ बेटा ये देखिए मैंने साथ साथ हाईलाइट की हुई है कि डेफिनेशन कौन कौन सी है ठीक है ये आप लोगों ने भी कर लेनी है साथ साथ फर्मेंटेशन हैज़ बीन इन द नॉलेज ऑफ़ मैं इन सेंचुरीज ये बहुत सेंचुरीज से फर्मेंटेशन का इंसान को पता था लेकिन क्या मिसकनसेप्ट था कि ये सिर्फ एक प्योरली केमिकल रिएक्शन है ठीक है ये एक केमिकल रिएक्शन इसको सिर्फ समझा जाता था अब क्या था फिर 1857 में जाकर लुइस पास्टर ने बताया ठीक है कि फर्मेंटेशन जो है जस्ट एक केमिकल रिएक्शन नहीं है बल्कि ये किसके मौजूदगी में होता है माइक्रोब्स की माइक्रोबियल एक्टिविटी के का रिजल्ट होता है फर्मेंटेशन ठीक है ये देखें शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बनाया स्टेट पास्चर कंसेप्ट ऑफ फर्मेंटेशन ठीक है पास्टर का कंसेप्ट भी पूछा जा सकता है कि पास्टर ने क्या कंसेप्ट दिया था फर्मेंटेशन का उससे पहले तो ये था ना कि केमिकल रिएक्शन है पास्टर ने कहा कि पास्टर कन्विंस द साइंटिफिक साइंटिफिक कम्युनिटी डेट ऑल फर्मेंटेशन आर द रिजल्ट ऑफ माइक्रोबियल एक्टिविटी उन्होंने कहा माइक्रोब्स की वजह से होती है फर्मेंटेशन ही शोर डैट फर्मेंटेशन इज ऑलवेज अ बाय द डिवेलपमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ठीक है उन्होंने कहा कि फर्मेंटेशन हमेशा माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ साथ चलती है आर अब यहां तक आपने हेडिंग क्या देनी है कंसेप्ट ऑफ फर्मेंटेशन पास्टर कंसेप्ट ऑफ फर्मेंटेशन ठीक है ये लिखना है यहाँ तक अगर लॉन्ग में आ जाता है तो आपने ये देना है ठीक है लेकिन ये मैंने शॉर्ट क्वेश्चन बनाया हुआ है स्टेट पास से कंसेप्ट ऑफ फर्मेंटेशन अगर ये आ जाए तो आपने यहाँ तक लिख देना माइक्रो ऑर्गेजम्स तक देआर मैनी काइंड ऑफ फर्मेंटेशन एंड ईच काइंड इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्टिकुलर माइक्रोबियल ग्रुप ठीक है बहुत सारी फर्मेंटेशन होती हैं और हर इसकी काइंड किस पे डिपेंड करेगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट होगा तो फर्मेंटेशन की काइंड भी डिफरेंट हो जाएगी ठीक है अब यहाँ पर हम बेसिक दो पढ़ेंगे अब देखिए कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन ये हेडिंग देनी है और वैसे शॉर्ट कश्मेल में आ सकता है व्हाट इज़ कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन तो वो आपने यहाँ तक लिखनी है देखिए फर्मेंटेशन आर क्लासिफाइड इन टर्म ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म फर्मेंटेशन की क्लासिफिकेशन किस बेस पे की जाती है एंड में जो प्रोडक्ट बनता है उसकी बेस पे फर्मेंटेशन की क्लासिफिकेशन की जाती है द इनिशियल स्टेप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन आर आइडेंटिकल टू दोज ऑफ रेस्पिरेशन ठीक है पहला जो स्टेप होता है कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन का वो बिल्कुल कैसा होता है रेस्पायरेशन के जैसा द प्रोसेस बिगेन विद ग्लायकोलाइसिस ग्लायकोलाइसिस होता है इन विच द ग्लूकोज मालक्यूल ब्रोकन इंटू टू मालक्यूल ऑफ पायरोविक एसिड दो पायरोविक एसिड के मालक्यूल्स में ग्लूकोज का मालिक्यूल टूट जाता है डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेजम प्रोसीड द फर्दर रिएक्शन इन डिफरेंट वेज़ ठीक है अब उसके बाद जो होंगे ऑर्गनिज्म पर डिपेंड करेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट होगा तो पायरोविक एसिड का डिफरेंट प्रोडक्ट बन जाएगा इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट फ्रॉम पायोरोविक एसिड ये देखें ग्लूकोज का मालिक्यूल होता है शुरू में क्या बता रही हूँ मैं कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन ग्लूकोज का मालिक्यूल होता है ग्लाइकोलाइसिस होते हैं और दो पायरोविक एसिड के मालिक्यूल बन जाते हैं ठीक है ये होगा सब में सेम सारी फर्मेंटेशन की काइंड में सेम होगा इसके बाद जो क्लासिफिकेशन होगी वो डिपेंड करेगी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम डिफरेंट होगा तो एथनॉल बन जाएगी फिर कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिजम होगा तो लैक्टिक एसिड बन जाएगी कुछ और होगा तो कोई और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बन जाएगी ठीक है अब देखिए था टू बेसिक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन आर डिस्क्राइब नेक्स्ट ठीक है इसके बाद पारोविक एसिड के बाद जो दो हमने बेसिक पढ़नी है वो क्या पढ़नी है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन मैंने आपको बताया फर्मेंटेशन किस पे डिपेंड करती है एंड प्रोडक्ट पे अगर एंड में अल्कोहल बन गया तो हम कहेंगे ये फर्मेंटेशन कौन सी थी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और अगर एंड पे लैक्टिक एसिड बना तो हम क्या कहेंगे कौन सी फर्मेंटेशन है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ठीक है ये कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन आपने पढ़ ली ये सब में सेम होती है और ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज़ कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन ठीक है ये आपने ऐसे ही हाईलाइट कर लेने शॉर्ट एमसीक्यूज वगैरह सब कुछ अब देखें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या होती है इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या 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 होता है यीस्ट होते हैं दिस फर्मेंटेशन इज कैरीड आउट बाई मैनी टाइप ऑफ यीस्ट सच एज सेक्रोमाइसिस सर्विस ठीक है दिस प्रोसेस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड इज यूज टू प्रोड्यूस ब्रेड अब इसकी uh, इसकी इम्पॉर्टेंस है कि क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के थ्रू ब्रेड बियर वाइन एंड डिस्टल सिपरेट इन दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड फ्रॉम पायरोविक एसिड द प्रोडक्ट दैट इज एक्सिट अल्डिहाइड इज एंड रिड्यूस्ड टू एथेनॉल सबसे पहले तो ग्लूकोज की ग्लाइकोलैसी एसिड बन गया ठीक है अब आगे चल रहा है अगर होगी यीस्ट ठीक है माइक्रोऑर्गेनिज्म यीस्ट होगा तो वो क्या करेगा पायरोविक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देगा और प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगी एसीड हल्डियाइड अब एसिड हल्डियाइड को रिड्यूस करा कर क्या बना देगा एथनॉल और ये फिर क्योंकि एथनॉल अल्कोहल है इसलिए फर्मेंटेशन कौन सी कराएगी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन आती है तो बेटा आपने ये डायग्राम बनानी ठीक है द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन काज इज द राइज ऑफ ब्रेड ये देखें अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो निकली थी ये क्या काम करेगी ब्रेड को राइज करने का काम करेगी ठीक है फ्लफी होती है ना फूली हुई होती है तो वो किस वजह से होती है राइज किस वजह से होती है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से दूसरी फर्मेंटेशन की टाइप है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ये किसके थ्रू होती है बैक्टीरिया ये हमने पढ़ी थी किसके थ्रू हुई थी यीस्ट के थ्रू ये कौन करवाएगा बैक्टीरिया इन दिस प्रोसेस पारोविक एसिड इज रिड्यूस्ड लैक्टिक एसिड ठीक है पैरोिक एसिड की रिड्यूस किसम हो गया लैक्टिक एसिड में इट इज कैरीड आउट बाय बाई बैक्टीरिया फॉर एग्जाम्पल स्टेप्टोकोकस एंड मैनी लेक्टोबेसिलस स्पीशीज इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट इन डेयरी इंडस्ट्री ठीक है आपने इसकी भी इंपॉर्टेंस लिखनी अल्कोहलिक की कि क्या क्या ये इंपॉर्टेंस है इसकी ठीक है क्या क्या चीजें बनाने का मंपति इसकी ये किसकी import, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये डेयरी इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंट है वेयर इट इज़ यूज़ फॉर सोरिंग मिल्क एंड आल्सो फॉर प्रोडक्शन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ चीज़ ठीक है आपने यहाँ तक याद करनी है इनशाला कल हम स्टार्ट करेंगे बायोटेक्नोलॉजी फर्मेंटेशन इन बायोटेक्नोलॉजी या एप्लीकेशन ऑफ फर्मेंटेशन थैंक यू